केंद्र सरकार ने जब से हिट एंड रन के नए कानून को लागू किया है तभी से इस कानून का देश भर में विरोध हो रहा है। देश भर के ट्रक ड्राइवरों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। इस नए कानून के विरोध में पेट्रोल डीजल टैंकरों के ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है। हड़ताल करने से प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भरवाने के लिए लंबी कतारें लग गई। दरअसल नए साल के ठीक एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर की शाम से रात भर में पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। जबलपुर में पेट्रोल डीजल टैंकर ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते शहर में कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल नहीं पहुंचा। पेट्रोल डीजल ना पहुंचने से लोग अपने अपने दो पहिया और चार पहिया वाहन लेकर पेट्रोल पंपों पर परेशान होते दिखे। सूत्र बताते हैं कि हिट एंड रन के नए कानून के चलते ट्रक ड्राइवर्स लंबी हड़ताल पर जा सकते हैं। अगर ड्राइवर हड़ताल पर गए तो लोगों को पेट्रोल और डीजल के लिए परेशानी उठानी पड़ेगी। हालांकि जबलपुर में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने पेट्रोल डीजल की आम जनता को किल्लत ना उठानी पड़े इसके लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री के आदेश के बाद भी शहर में पेट्रोल और डीजल के टैंकर पेट्रोल पंपों तक नहीं पहुंचे। आम जनता रात भर पेट्रोल डीजल के लिए परेशान होती रही। हिट एंड रन केस को लेकर पहले से कानून है लेकिन अब केंद्र सरकार नया कानून लेकर आई है। अभी तक हिट एंड रन में ड्राइवर की थाने से जमानत हो जाती है और साथ ही 2 साल की सजा का प्रावधान भी है। अब इसमें वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को अधिकतम 10 साल की सजा के साथ 7 लाख का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। नया नियम कहता है कि अगर सड़क दुर्घटना के बाद गाड़ी चालक पुलिस को टक्कर की सूचना दिए बिना मौके से फरार होता है तो उसे 10 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ेगा। कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर इसका विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल और चक्का जाम कर दिया है। न सिर्फ ट्रक ड्राइवर बल्कि बस, टैक्सी और ऑटो चालक भी इसका विरोध कर रहे हैं। नए नियम निजी वाहन चालकों पर भी समान रूप से लागू होंगे। उनका कहना है कि नए कानून के प्रावधान कुछ ज्यादा ही सख्त हैं, इन्हें नर्म किया जाए।